CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर चूजिंग टू बी विद अस दिस मॉर्निंग। यस एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, कभी आपने अपने जीवन में हार का सामना किया है? शायद कोई नुकसान, कोई घाटा, कोई खटी, या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका प्रियजन आपसे दूर हो गया हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई लॉस हो, किसी भी तरह का लॉस, इसके बावजूद कैसे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यस दोस्तों, आज हम इसी विषय को करीब से देखने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आज बुधवार है रिबेका, और आज जैसे हमारी प्रथा रही है, हम हमारे प्रिय दर्शकों को सैर कराते हैं अलग अलग रीजन्स की। तो आज किस रीजन को हम देखने वाले हैं? जी, हमारे दर्शक हमें देख करके समझ गए होंगे कि हम किस रीजन में इन्हें लेके जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा रीजन ऑफ फोकस है चेन्नई, और आज हम चेन्नई से आपके लिए सच्ची कहानियां और गीत लेकर आए हैं। यस रिबेका, चेन्नई के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। चेन्नई तमिलनाडु स्टेट की राजधानी है, लेकिन चेन्नई का नाम चेन्नई था नहीं, ये हाल ही में पड़ा है जी। जो 20-25 साल पुराने हैं वो जानते हैं कि चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था, और आज बहुत जगहों पे हम मद्रास कैफे, मद्रास टेक्सटाइल्स वगैरह देखते हैं। तो ये नाम कैसे पड़ा, कुछ आइडिया होगा? एक्चुअली जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये चेन्नई जो है, इसकी शुरुआत हुई थी एक मछली पकड़ने वाले गाँव से, और इसे मद्रास पट्टनम कहा जाता था, और इसी से मद्रास नाम से हम इसे आइडेंटिफाई करने लगे। और जैसे कि आपने बताया कि हाल ही में इसका नाम चेन्नई पड़ा है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है दोस्तों कि इसे गेटवे टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चेन्नई अपने इडली, सांभार, डोसा और अपनी ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, और इसे हम सब बहुत पसंद करते हैं। यस दोस्तों, बिल्कुल, हम चेन्नई के बारे में और भी बात जानेंगे, और वहाँ के लोगों से भी हम आपको मिलाने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चेन्नई को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अपने लॉसेस के बावजूद हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर द्वारा दी गई नई शुरुआत को रिसीव कर सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे चेन्नई के रहने वाले रॉबिन जयवराज से। ये क्लास 10th के एग्जाम्स दे रहे थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। पिता के प्रेम और रिश्तों का दूर हो जाना, अकेलापन, ये सब इनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था। आइए दोस्तों, रॉबिन से हम मुलाकात करें और जानें कि क्या उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत पाई। रॉबिन चेन्नई में पैदा हुआ था और उसका जन्म मछी परिवार में हुआ था, परंतु रॉबिन का नामधारी मछियों में पालन हुआ था। ईसा मसीह के ऊपर प्रेम और डर और पवित्र बाइबल को पढ़ना है, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। और माँ के कहने पर मैं बाइबल लेकर जाता था। इससे पहले मैंने बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि बाइबल में क्या क्या चीजें होती है। यही मेरी लाइफ थी एक्चुअली। जब रॉबिन 10वीं कक्षा में था, तभी रॉबिन ने एक नया अनुभव प्राप्त किया था। उस अनुभव से रॉबिन के मन की चिंता बहुत बढ़ गई थी। जब मैं छोटा था, तभी मेरे पिताजी एक छोटी सी चीज से बहुत मारते थे, और मेरे पिताजी का वो छोटा सा हथियार एक कंघी थी। एक कंघी। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, और एक दिन मेरे पिताजी ऑफिस गए थे। मेरे पिताजी ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक आ जाते थे, मैक्सिमम वही टाइम था, और उस दिन 7 बजकर गए थे, फिर भी वो वापस नहीं आए थे। 7:30 बजे भी कोई खबर नहीं थी। आफ्टर सम टाइम लगभग शाम के 8 बजे एक अनजान व्यक्ति ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझसे पूछा, रॉबिन क्या तुम्हारी माँ घर पे है? मुझे जरा उनसे बात करनी है, वहाँ तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज तुम और तुम्हारी माँ जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचो, दैट इज GH। रॉबिन के पिता के गुजरने के बाद रॉबिन बहुत दुखी रहने लगा। उसके बाद रॉबिन बहुत चिंता में खोया रहता था। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट जिस डेट में हुआ वो थी April 8, 2002। उस मूमेंट पे हम लोग बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे। मेरी माँ तो बहुत ज्यादा रो रही थी, हमेशा मुस्कुराने वाले मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे। गुस्सा होने पर कंघी लेकर मेरे पीछे भागने वाले मेरे पिताजी मेरे सामने इस तरह पड़े हुए थे। उस सिचुएशन में मैं इन सब चीजों से बाहर कैसे निकलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस कर रहा था। उस समय मैं भी रॉबिन परमेश्वर के ऊपर भी रखा हुआ विश्वास छोड़ा नहीं, और प्रार्थना के साथ में 10वीं का एग्जाम भी उसने लिखा।
मैंने मेरी माँ को कहा कि मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या लिखना है। मेरी माँ ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बस प्रार्थना करो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, तुम बस जाकर एग्जाम दो, क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। जब मैंने क्वेश्चन शीट को देखा और क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट मेरे हाथ में आई, तब मेरे पिताजी का हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा मुझे उसमें दिखा और वो सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जब मैं परीक्षा लिखने के लिए बस शुरू करने ही वाला था, तब मुझे ऐसा लगा परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़कर लिखने में मेरी सहायता की। और उस समय मैं क्या कुछ लिख रहा था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। जैसे ही मैंने मेरी एग्जाम लिख के खत्म की, तो वैसे ही मैं दफन की आराधना के लिए दौड़ता हुआ चला गया। और जैसे ही दफन विधि खत्म हुई तो मैं तुरंत घर पे चला गया और उसके बाद मैं बहुत निश्चिंत हो गया था और उस दुख से बाहर आ गया था। रॉबिन की 10वीं की परीक्षा की रिजल्ट आ चुकी थी और वो पास होगा ऐसा कभी उसने सोचा भी नहीं था। जब मेरी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, तब मैंने ये बात मेरी माँ को बताई। तब मुझे माँ ने कहा कि मुझे तेरा सीट नंबर दे, मैं खुद देखना चाहती हूँ। तब मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ मैं फेल हो गया रहूंगा, प्लीज मत देखना। फिर भी माँ ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने कहा कि मुझे बस तेरा सीट नंबर चाहिए, मैं खुद देखूंगी। फिर मैंने जैसे तैसे उनको नंबर दे दिया। वो जब लाइन से एक एक नंबर देख रही थी, उन्होंने मेरा नंबर देखा कि मैं फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो गया था, वो बहुत सरप्राइज हो गई थी, बहुत ज्यादा सरप्राइज। तब मैंने मेरी माँ के आंखों में आंसू देखे थे, खुशी वाले आंसू। जब मैं तीसरा अध्याय पढ़ रहा था, उसी समय परमेश्वर का वचन मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे सेवा काई के लिए चुना है। जब मुझे ये बात पता चली कि परमेश्वर ने मुझे सेवा काई के लिए चुना है, तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई अंदर से, मेरे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, परमेश्वर है मुझसे बात करने के लिए। तब मैं यीशु पिता का पूरे मन से स्मरण करने लगा और यही मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। वही वचन को मान के मैंने मन से प्रार्थना की। अभी रॉबिन अपने परिवार के साथ यीशु मसीह की सेवा करता है। जब मैं प्रार्थना करता था, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तेरे तो पिताजी नहीं है लेकिन यीशु मसीह को तू बहुत प्रेम करता है, ऐसा मुझे बोलने लगे। मैं बस उनसे हंस के यही कहता था कि मैंने मेरे पिताजी को तो खो दिया है लेकिन मैंने यीशु मसीह का प्यार प्राप्त किया है और हमारी जिंदगी में आने वाले दुख को परमेश्वर हमारी भलाई के लिए पूरी तरह सुख में बदल देता है। जब मैं दुख में था, तभी मुझे परमेश्वर अंदर से समझ आने लगे थे। इसलिए आज के दिन परमेश्वर को शुक्रिया अदा करने के लिए मैं मेरी माँ, पत्नी और बेटी के साथ मिलकर सेवकाई करता हूँ। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी खालीपन था, परमेश्वर ने वो खुशियों से भर दिया है। थैंक यू वेरी मच रॉबिन फॉर योर स्टोरी एंड इंडीड यू बीन थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। जो भी आपकी लोनलीनेस थी, ग्रीफ था, ब्रोकननेस था, कैसे परमेश्वर के प्रेम ने वो सब कुछ आपके जीवन से दूर कर दिया और आज वही प्रेम आप लोगों के साथ बांट रहे हैं, बच्चों के साथ बांट रहे हैं। दैट इज ट्रूली ब्यूटीफुल। दोस्तों हम ये जान ले, जैसे रॉबिन के साथ परमेश्वर ने किया, वैसे ही हमारे साथ भी वो करता है। जब हमारे अकेलेपन में, जब हम बहुत दुख में हैं, दर्द में हैं, हमने कुछ खोया है, उस घटी को परमेश्वर अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी दया से भरपूर करता है। दोस्तों जब अपना कोई खो जाता है तो बहुत गम होता है। हम सब ने शायद किसी न किसी को खोया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, अपने दोस्त यारों को। हमारे जीवन में उनकी कमी शायद कोई नहीं भर सकता, वो एक वैक्यूम बन के रहता है। और ऐसा ही कुछ हुआ यहोशू के साथ। यहोशू मूसा के बहुत करीब था, उनका बहुत गहरा रिश्ता था। गुलामी से लेकर आज़ादी तक वो साथ में समय बिताए थे और शायद एक आत्मिक पिता, आत्मिक पुत्र या बड़े भाई का रिश्ता होगा। यहोशू मूसा के लिए बहुत जेलस था और वो अगर मूसा को कोई कुछ बोले तो यहोशू को बुरा लगता। और परमेश्वर यहोशू मूसा इन सब को प्रतिज्ञा देश में ले जा रहा था। प्रतिज्ञा देश के बहुत करीब आने के बाद मूसा का देहांत हो जाता है। आप सोचिए, आप अपने आप को यहोशू की जगह पर रखिए, उसका दिल टूट गया है, वो बहुत निराश है। साथ में 20 लाख लोग हैं और वो सोच रहा है कौन है जो अब इन लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। उस जमाने में एक प्रथा हुआ करती थी, 30 दिन का समय होता था जिसको मॉर्निंग पीरियड कहा जाता था। और परमेश्वर ने 30 दिन दिए इसराइल को कि मूसा के जाने का शोक वो कर सके। लेकिन 30 दिन बीतने के बाद भी यहोशू इस गम से उभर नहीं पाया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर खुद आकर यहोशू से क्या कहता है। यहोशू का पहला अध्याय और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जोशुआ चैप्टर 1:2। मेरा सेवक मूसा मर गया है, अब ये लोग और तुम यर्दन नदी के पार जाओ, तुम्हें उस देश में जाना चाहिए
जिसे मैं इज़राइल के लोगों को अर्थात तुम्हें दे रहा हूं। दोस्तों, परमेश्वर ये अपेक्षा कर रहा था यहोशू से कि हाँ, ये सच है कि मूसा जा चुका है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगला वचन कहता है, परमेश्वर उसे आश्वासन देता है कि यहोशू, मैं तेरे साथ हूं और जो कार्य मैंने तुझे सौंपा है वो तुझे पूरा करना है। ये सच है दोस्तों कि कभी कभी लॉस जो हमारे लाइफ में होता है ये हमें रोक देता है, और ये सही भी है कि कुछ समय के लिए हम उसको प्रोसेस करें, लेकिन फिर उसी में बने रहना परमेश्वर को पसंद नहीं करेगा। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपनी दौड़ रखी है। मूसा अपनी दौड़ दौड़ चुका, अब यहोशू की बारी थी। वैसे ही आज आपकी बारी है, आपको प्रभु का कार्य आगे लेकर जाना है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन में किसी लॉस की वजह से निराश हैं, ग्रीव्ड हैं, बहुत परेशान हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए जो दौड़ रखी है उसे आपको दौड़ना है, और परमेश्वर इसके लिए आपको सामर्थ देता है, आपको इंकरेज कर रहा है परमेश्वर अपने वचनों से। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहेंगे दोस्तों, तो CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, और हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप अपने इन लॉसेस, इतने अपने चैलेंजेस के ऊपर जय पाकर आगे बढ़ सकें। ज़रूर दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना चाहिए, बेझिझक आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। दोस्तों अब समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो चेन्नई से एक और सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था, आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोरियों में जाके कुबाया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ हो तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी भी हमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए राष्ट्र की धड़कन। देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे रीजनल स्पेशल एक नई जिंदगी एपिसोड में हम चेन्नई शहर पर फोकस कर रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि जीवन में जब हम हार, लॉस या किसी भी नुकसान के बाद कैसे हम उठकर एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यस, अब बात चेन्नई की हो रही है रेबेका, मैंने सुना है वहाँ का मरीना बीच वर्ल्ड फेमस है, इनफैक्ट वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन बीच है, और बहुत ही खूबसूरत रात को नजारा देखने लायक होता है। Wow, that's so wonderful to know, and we all must visit the Marina Beach. और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और चेन्नई से ही हम एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम मुलाकात करेंगे स्टैनली से, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में ऊंचाइयां छूना चाहते थे, बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते थे। एक दिन रोड एक्सीडेंट में इनका दाहिना हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया, और फिर आगे क्या हुआ आइए हम स्टैनली से सुने। स्टैनली चेन्नई में पैदा हुआ है, वो एक क्रिश्चियन परिवार से है। स्टैनली ने बचपन से ही बहुत सारा कष्ट उठाया है। मेरे माता पिता एक समस्या की वजह से अलग अलग हो गए। मेरे पिता मानसिक रूप से प्रभावित थे, तभी ये भाई लोग मुझे मिले और मुझे लेकर कलीसिया में गए। मैं कभी कलीसिया नहीं गया, मेरे ऊपर ज्यादा प्यार रखकर
मुझे कलीसिया लेकर गए, मुझे खाना वगैरह खिलाए, प्रार्थना करते हैं कहकर मुझे वहाँ लेकर गए। दोनों जन ने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की महिमा की वजह से एक हफ्ता में मेरा परिवार शामिल हुआ। स्टैनली की शादी 1996 में हुई। उनकी पत्नी ने स्टैनली को सेवकाई में मदद की है। ताज कोरोमंडल होटल में काम किया था। अभी काम नहीं चाहिए, काम छोड़कर पूरा वक्त परमेश्वर की सेवा ही करेंगे। वैसा ही मैंने सोचा था। मैंने अपनी पत्नी से बोल दिया, वो भी तैयार हो गई। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया। मैं गिटार प्ले करता हूँ, मेरी पत्नी गीत गाती है। हम दोनों ने खुश होकर मीटिंग में जाकर गीत गाया है। शादी के बाद 2 महीने में ही स्टैनली का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मई 7 तारीख को मैं बस में जा रहा था और जाते वक्त आने वाला दिन मैं बहुत खुशी से ईश्वर के साथ याद करके जा रहा था। बस में जा रहा था तो एक बहुत भयानक आवाज आई। बहुत भयानक आवाज सुनकर मैंने देखा कि लोग चिल्ला रहे थे। सामने से एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। उसके बाद पूरा दब गया था, पूरा दब गया, और आईना, रॉड, खिड़की सब कुछ टूट गया था। लोग बस में से उतर के इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। मैं ऐसे ही बैठा ही था, मुझे उठने को नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। मैं चिल्ला रहा था, मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने मुड़कर देखा तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत भयानक हादसा था, बहुत भयानक। स्टैनली को नजदीक के ही अस्पताल में एडमिट किया गया। 50 दिन से भी ज्यादा समय तक स्टैनली का इलाज चलता रहा। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि एक्सीडेंट होने की वजह से नस टूट गई है, खून जाने का रास्ता बंद हो गया है, खून जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, नीचे खून नहीं जाएगा, थोड़ा मांस चिपका हुआ है, वो मांस कट करके हाथ से हटा देंगे। लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट करना है मुझे, कृपा करके मेरे दाएं हाथ को आप लोग मत काटिए। नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब एक्सरे में देखा तो मेरे राइट हैंड में यहाँ से वहाँ तक आधा इंच, आधा फीट, वो क्या है ना, ऊपर की कोहनी तक आधा इंच टूटे हुए हाथ का मांस, हड्डी, कोहनी की हड्डी सब बस में गिर गया था। स्टैनली का परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था। स्टैनली को भरोसा था कि परमेश्वर उसे जरूर बचाएगा। जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ को इधर उधर हिला भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी हाथ को नहीं हिला सकता था। वो डॉक्टर को मैं हाथ ऊपर करके दिखाता था, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखकर चौंक गया, वैसे हैरान हो गया देखकर, क्या बोल रहे हो। मैंने हाथ को हिलाया, उंगली को हिलाया, एकदम चौंक गए। स्टैनली लोगों की सेवा करना चाहता था। स्टैनली ने उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की। मुझे बाइबल कॉलेज पढ़ने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि मुझे सेवा करनी थी, इसीलिए मैंने बाइबल कॉलेज जाकर पूछा। चेन्नई में हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट में मैं MBA पढ़ने के लिए गया था। वहाँ पर डॉक्टर जबराज सैमुअल वहाँ के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, हाउ कैन यू ब्रोकन योर राइट हैंड, इस हाथ से तुम कैसे लिखोगे, तुम पढ़ पाओगे क्या, मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ, मुझे सीट दे दो, मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर की कृपा से मैंने दाएं हाथ से कम 500 पेजेस एग्जाम असाइनमेंट और प्रोजेक्ट एग्जाम लिख के, प्रोजेक्ट करके, असाइनमेंट लिख के लगभग 36 सब्जेक्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट लिखकर MBA कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने मदद की है। स्टैनली ने अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत की और अभी प्रभु की सच्चे मन से सेवा कर रहा है। बाइबल का वचन कहता है कि उसमें प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीहों के द्वारा हमें विजय दिलवाता है। मैं उस बस में था तभी शैतान ने मुझसे कहा कि तू मर जाएगा, तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, तू जो सोच रहा है वो कुछ भी नहीं होगा। आज भी प्रभु की कृपा की वजह से, प्रभु ने जो मुझसे कहा था सब कुछ करने के लिए, कलीसिया को आज हम बनाए और आज हम सेवकाई कर रहे हैं। मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ, मेरी पत्नी गा रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, ये सब कुछ करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। अपने इस हाथ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। अभी भी मैं सेवा करने के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ। 28 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है मुझे। अबदूत करके मुझे जय देकर परमेश्वर ने मेरा सर ऊंचा किया है। आपको भी आशीषित करके प्रभु बड़ा काम करेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। Stanley, we are so happy that you've shared your story with us on एक नई जिंदगी। हमें बहुत encouragement मिली है and we are so encouraged कि आपने इस मुश्किल दौरान में आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा।
You did not let go of your faith and God has been so good to you and we thank God for your life. Yes, दोस्तों, शायद आप भी किसी हादसे का शिकार होंगे और आप बहुत निराश होंगे, लेकिन इस कहानी से हम उम्मीद करते हैं आपको भी प्रोत्साहन मिला है कि कुछ बिगड़ने पर भी परमेश्वर उसे सुधारता ही नहीं, लेकिन उससे कुछ बहुत खूबसूरत निकाल कर हमारे सामने रखता है। तो परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो अच्छा और भला है। दोस्तों, आपने स्टैनली की कहानी से बहुत इंकरेजमेंट पाई है और ऐसी ही कहानियों को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं या ऐसी और कहानियों से अगर आप इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने कुछ खोया है या किसी अपने को खोया है। साथ ही साथ हम हमारे चेन्नई वासियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, you know, bunch of sanitizers around, which is, you know, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों, जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, इस सैटरडे सुपरबुक इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर एंड स्पेशली टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। तो आप भी इनके इंस्टाग्राम पेज पर जरूर सुबह 10 बजे इनके साथ जुड़ें, अपनी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, बच्चों के लिए खास जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप जरूर शेयर करें। Yes, और साथ ही साथ दोस्तों अपने बच्चों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें। दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि कैसे हमने कुछ खोया है, इसके बावजूद भी हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि हमारे न्यू बिगनिंग्स में वो हमारी मदद करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं आपके लिए और हमारे चेन्नई दोस्तों के लिए जो चेन्नई में बसते हैं। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने तुझे पाया है प्रभु। सबसे कीमती तोहफा तू हमें मिला है। हम जानते हैं हमारे बीच में कई प्रिय दर्शक है जिन्होंने अपनों को खोया होगा, शायद किसी ने नौकरी खोया है, किसी ने कुछ बेशकीमती चीज खोई है। प्रभु कभी कभी जो लॉस हम फेस करते हैं उसका कोई भरपाई नहीं है, खासकर अगर हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रभु कि तेरी सांत्वना, तेरा प्रेम हमारे हर घटी को पूरी करता है। प्रभु तू वादा करता है कि हमारे गम में, हमारे दर्द में, हमारे पीड़ा में तू हमारे साथ है, तू छोड़ेगा नहीं हमारा साथ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रिय दर्शकों के लिए जिन्होंने खोया है, उन्हें एहसास हो कि तू उनके साथ है प्रभु। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे चेन्नई वासियों के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उस शहर को आशीषित रख और प्रभु और बड़ा और तरक्की के पथ पर वो शहर बढ़े और वहाँ पर जितने भी तेरी आराधना करते हैं, तुझे जानते हैं, उन्हें भी प्रभु तू आशीषित कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें,
अगर आपने कुछ भी खोया है तो परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु उससे कई गुना ज्यादा आपके जीवन में आशीष भरेगा। वो आशीष का परमेश्वर है, वो समझता है आपके गम को और वो आपके गम को आराधना में बदलेगा, आशीष में बदलेगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है और हमारे टाट को उतारकर हमारी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। जब हम अपने लॉसेस को, अपनी जीवन की कमियों को, जो भी हमारे परेशानियां हैं, इन्हें जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर उन्हें हमारे स्ट्रेंथ में बदल देते हैं और उन्हें हमारी जय, हमारी विक्ट्री में बदल देते हैं। यस दोस्तों, यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए भी कि आपके गम से उभरने में परमेश्वर आपको मदद देगा और साथ ही साथ आपके गम को वो आनंद में बदलेगा, खुशी में बदलेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है। चेन्नई शहर के बारे में हमने खूबसूरत बातें जानी, वहाँ के लोगों से मुलाकात किया और ये भी जाना कि हमारे दुख और दर्द में, हमारे खोए हुए में भी परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करता है। वो हमारे जीवन के हर कमी को अपने प्रेम से भरपूर करता है। दोस्तों, जाते जाते हम एक खूबसूरत गीत सुनने वाले हैं, विच कम्स ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई। किंगडम स्क्वायर ये गीत हमारे लिए लेकर आए हैं और इस गीत के बोल है पादय काटुम। इस बोल का मतलब है राह दिखाने वाला, गॉड शोज अस द वे। इस गीत का आनंद लें। यस फ्रेंड्स, एंजॉय द सॉन्ग, इससे आप बहुत आशीष पाएं और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और कल है थर्सडे, तो पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। टू जॉइन अस टुमारो एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।